हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि मैं जा रहा हूँ फिलीपींस। ये आप देख सकते हैं, पीछे मेरे दोनों बैग रेडी हैं, एक लैपटॉप बैग रेडी है। अभी 5:15 बज रहा है, 10 बजे की फ्लाइट है, तो आधे एक घंटे में निकलेंगे। और अभी हो क्या रहा है घर पे, भैया मटरी बनवा ले रहे हैं, हमारी दीदी मटरी बना रही हैं, कल से बन रही हैं, अभी बन पाई हैं। और ये मटरी का बेस्ट तरीका है कि अगर आपको भूख लगे, चाय कॉफी कहीं मिल जाती है, मटरी आराम से खाओ। पूरी तैयारी हो गई, कैब नीचे इंतजार कर रही है, और ये हमारा कर रही है तिलक टिक्कू चौहान। भैया पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और 7 बजे 10:30-11 बजे की फ्लाइट है, तो आराम से टाइम से पहुँचाओ। फ्लाइट में क्या होता है कि आप थोड़ा समय से पहुँच जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, जल्दी पहुंच जाओ, लेट हो जाओ फायदा नहीं है। तो अभी चलते हैं, चेक अंदर एंट्री करते हैं। तो ये भैया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऐसा लग रहा है सारे लोग ही भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो ये हमारी ट्रॉली बैग। भैया गेट से एंटर हो गए हैं और एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं। अभी ढूंढते हैं कि फ्लाइट जो चेक इन है वो कहाँ से हो रहा है, खुद भी देखता हूँ आपको भी दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ सामने पीछे कितना बड़ा सा एलिफेंट है, ब्यूटीफुल सा। एक बार आपको 360 व्यू दिखाता हूँ एयरपोर्ट का। तो भाई अभी इमिग्रेशन ख़त्म हो गया है, कोई सवाल ववाल नहीं पूछे, बहुत लंबी लाइन थी, सारा कुछ हो गया है। अब हम जा रहे हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। ये पीछे ड्यूटी फ्री, बहुत बार आए हैं तो आपने तो देख ही रखा है ड्यूटी फ्री, शराब वराब पीने वालों के लिए मस्त है, सस्ती मिलती है। भाई बोर्डिंग शुरू हो गई है और वेट कर रहे हैं, मैं सबसे आखिर में बोर्ड करूँगा। मेरी जो सीट है वो भी सबसे आखिर में ही है, 71 की। थकान हो गई, इमिग्रेशन में बहुत लंबी लाइन थी। तो भैया ये फ्लाइट में बैठ गए हैं, दोनों सीट खाली हैं, बगल की उम्मीद है तो लेट जाएंगे लंबा लंबा। आ गया है खाना, ब्रेड है, चावल है, राजमा चावल है, भैया कुछ मिठाया कुछ। अभी अभी भैया मनीला जाने के लिए अभी मैं हांगकांग पहुंच गया हूं, और अभी हांगकांग एयरपोर्ट पे हैं। सिक्योरिटी चेक दोबारा हुआ है और अब मैं अपने गेट पे जा रहा हूँ। अच्छी फ्लाइट थी, कैफे वैसे खाना अच्छा था, और मैं तो आराम से सो गया, नींद पूरी हो गई, अदरवाइज सर में दर्द होता रहता। और अब जा रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है। इंडिया में इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा, बस क्योंकि बिजनेस मेरे पास बिजनेस वीजा है, तो बिजनेस वीजा में इतना कुछ पूछते नहीं, किस लिए जा रहे हो जी, ऑफिशियल मीटिंग के लिए ऐसे बोलना होता है। अभी 2 घंटे हैं, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। टैक्सी लेके, कंपनी ने ऑलरेडी बुक की हुई है,
पहुँचेंगे होटल, बहुत थक गए हैं। ये पीछे कुछ ऐसे है मनीला के एयरपोर्ट, बर्गर किंग है यहाँ पे पीछे, अराइवल डिपार्चर। नमस्कार दोस्तों, होटल में आने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि तुरंत सो गया और अभी बस सो के उठाऊँ तो मैं वीडियो को ना ख़त्म करने ही भूल गया। तो ये जल्दी से आपको रूम दिखा देता हूँ। ये काम करने का टेबल है, पीछे बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। 27वीं मंजिल पे ये कमरा है हमारा, और एसी है, ये बेड है, और इसमें एक छोटा सा किचन भी है, माइक्रोवेव, फ्रिज, और आप सामने देख रहे हो ये किचन है। तो ये अभी फ़िलहाल एक महीने के लिए मैं इसमें रहूँगा, तो अच्छा है। और अभी बस तैयार हुआ हूँ, और आई होप आपने अभी तक इसको एंजॉय करा होगा। जाते हैं नीचे कुछ खाता हूँ और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू।